मैन एंड वुमेन, फिटनेस, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड रियल इंफॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेली फैट लॉस के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी पूरी बॉडी का फैट लॉस करके और साथ ही अपने पेट की चर्बी को खत्म करके सिक्स पैक एब्स बना सकते हो। फ्रेंड्स, जो तरीका आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, उस तरीके को लड़का हो या लड़की कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वेट लॉस करने के लिए और पेट की चर्बी को छिपाने के लिए लोग तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। कोई ढीले ढाले कपड़े पहनता है तो कोई अंग्रेजी दवाओं और तरकीबों को अपनाता है। लेकिन कभी खुद से ये सवाल करें कि आखिर आप किन किन तरीकों से अपने पेट की चर्बी को छिपाते रहेंगे। अब टाइम आ गया है कि इस चीज से भागने के लिए कोई उपाय निकाला जाए। आज हम आपको पेट की चर्बी और पेट कम करने के लिए एक घरेलू उपाय बताएंगे। वजन घटाने और पेट कम करने के लिए वैसे तो कई घरेलू उपाय हैं, लेकिन उन सब में एक सबसे जबरदस्त उपाय है जो आज हम आपको बताएंगे। इस उपाय का नाम है कच्चा पपीता। जी हाँ दोस्तों, कच्चा पपीता आपकी चर्बी को देखते ही देखते पिघला देगा। तो कच्चा पपीता आपको कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से खाना है और कब कब खाना है और कितना खाना है, जिससे आपकी चर्बी कुछ ही दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपने अपनी चर्बी को खत्म करने के लिए चाहे कितने भी नुस्खे क्यों ना इस्तेमाल किए हों, लेकिन आज की इस वीडियो में ये जो तरीका हम आपको बताएंगे, इस तरीके से आपकी चर्बी 100% खत्म हो जाएगी। तो कच्चे पपीते को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कच्चे पपीते के अंदर क्या क्या होता है और किस चीज में फायदा पहुंचाता है। कच्चा पपीता आपके कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने से लेकर डायबिटीज के रोगियों के लिए एक औषधि है। कच्चे पपीते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, फाइबर्स और विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। खास करके इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को हेल्थी बनाए रखती है, जिससे आपकी दिमाग की एक्टिविटी भी सही रहेगी। कच्चे पपीते के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाता है। इसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो पेट में गैस बनने से रोकते हैं और आपके खाने को पचाने में बहुत मदद करते हैं, जिससे अगर कोई नॉर्मल आदमी भी कच्चे पपीते को सलाद के तौर पर खाए तो उसका वजन कंट्रोल में रहेगा और साथ ही फैट भी बढ़ने नहीं देगा। और जिन लोगों के फैट है और वजन कम करना चाहते हैं, वे लोग कच्चे पपीते को कैसे खाएं? तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कच्चे पपीते का जूस बनाकर पीना होगा। इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले एक गिलास साफ पानी लेकर उबाल लें। इस उबलते पानी में 100 ग्राम कच्चे पपीते के टुकड़े को डालकर 5 मिनट उबालें। फिर इसमें आधे चम्मच से भी कम ग्रीन टी की पत्ती को लेकर इस उबलते पानी में डालें और कुछ टाइम तक फिर उबालें। और अब पानी को छानकर कुछ देर इस ड्रिंक को ठंडा होने के लिए छोड़ दें और ये ठंडी होने के बाद आपकी ये ड्रिंक तैयार हो जाएगी। ये ड्रिंक आपको खाली पेट मॉर्निंग या इवनिंग में डेली लेनी होगी। और अगर आप वेट लॉस एक्सरसाइज करते हो या रेस लगाते हो तो ये ड्रिंक आपको अपने वर्कआउट से 30 मिनट पहले लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कच्चे पपीते को हमारे बताए हुए तरीके से लोगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से कच्चा पपीता लेते वक्त आपको थोड़ा अजीब तो जरूर लगेगा, लेकिन आप इसके टेस्ट पर मत जाएं। इस तरीके से आप एक महीने में ही अपना फैट खत्म कर लोगे। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।